Welcome to Hungry Spoon. Subscribe to our channel for new recipes and click the bell icon for notification and don't miss a single update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू हंग्री स्पून चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे और खुश होंगे। तो अब जब खाना ना बन पा रहा हो तो देखो हंग्री स्पून और सीखो नई नई रेसिपी, तो सब्सक्राइब कर लो इसी बात पर ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो जाए। त्योहारों में यूँ तो कई तरह की मिठाइयाँ बनती हैं, लेकिन उन मिठाइयों में कुछ मिठाइयाँ ऐसी फेमस मिठाई होती हैं जिनका हर किसी का दिल करता है खाने का और किसी को देने का। जी हाँ, आज हम सभी लोग क्यों ना आज मिलकर के आगरे का पेठा अपने ही किचन में अपने हाथों से तैयार करें। वही स्वाद जो अक्सर हलवाइयों के द्वारा बना हुआ होता है, और अक्सर हम लोग मार्केट से या हलवाई से या फिर आगरा जब भी कोई जाता है तो उनसे ज़रूर कह के मंगवाते हैं, क्योंकि आगरे का पेठा खाने में इतना स्वादिष्ट होता ही है ऐसा। तो क्यों ना वो आगरे का पेठा आज हम लोग अपने हाथों से तैयार करें। वही स्वाद, वही लुक जो कि देखने में और साथ में खाने में उसी तरह मज़ेदार बनकर तैयार होगा। तो आगरे के पेठे को बनाने के लिए हमें किन किन सामानों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए फटाफट देख लेते हैं। पेठा बनाने के लिए ये फल हमारा तैयार हो गया है। इसमें वाइट जैसा आ जाए फल के ऊपर तो समझ लीजिए ये हमारा पेठा बनाने के लिए तैयार हो गया है। अब इसे हमें काट लेना है, और काटने के बाद इसे हमें हल्का सा हाथ में लगने वाला काटा टाइप का रहता है, हल्का हल्का जो आपके हाथों में लगेगा, आप किसी पन्नी से या पेपर से इस तरह से पकड़ करके आप इसको काट लें। पेठे के लिए हमने इसको अपने गार्डन से काट लिया है। अब इसे हमें छीलने के लिए सबसे पहले दो पीस निकाल लेना है। थोड़ा सा हार्ड रहेगा, ऊपर की जो लेयर होती है वो थोड़ा सा हार्ड रहता है। थोड़ा आप अपने हाथों को बचाते हुए इसको अच्छे से काट लें। पहले हम दो पीसेस में कर लेंगे। जिस भी क्वांटिटी में आपको बनानी है सबसे पहले पेठे के फल को दो पीस में कर लेंगे, ताकि आसानी रहे हमें इसको काटने के लिए। इस तरह से हमने ये दो पीसेस में काट लिए हैं, और ये देखिए बीजे पड़ गए हैं। इसकी और एक और पहचान है, आप फल के ऊपर वाइट हो जाएगा तो समझ लीजिए आपका फल पक गया है, और प्लस ये देखिए इसमें बीजे पड़ गए हैं, इसका मतलब ये हमारा पेठे का फल तैयार हो गया है पेठा बनाने के लिए। इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेने हैं ताकि इनको छीलने में आसानी रहे। इस तरह से इसको करने के बाद हमें इसको इस तरह से दो पीस में कर लेना है, और दो पीस में करने के बाद हमें इसके बीजों को इस तरह से निकाल देना है। बीज वाला भाग हमने निकाल दिया है, और इसे हमें इस तरह से छील लेना है। देखिए छोटे छोटे पीसेस में कर लेंगे तो छीलने में बहुत ही आसानी होगा। देंगे इस तरह से सारे फल हम छील लेंगे, और छीलने के बाद हमें इस तरह से इसको अच्छे से प्रिक कर लेना है। मार्केट में इसको छेद करने वाला जो लोग बनाते हैं प्रोफेशनल तरीके से बनाते हैं, तो उनके पास मशीनें होती हैं, जितना आप गोदेंगे उतना ही अच्छा इसमें रस जाएगा शक्कर का। तो हमारे पास गोदने वाला इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, तो यहाँ पे हम अगर नहीं है कोई बात नहीं, आप फोक ले सकते हैं, और फोक से जितना आप इसको अच्छे से गोद लेंगे, इस तरह से इसको प्रिक कर लेंगे, उतना ही अच्छा आपका इसमें रस जाएगा और बहुत ही जूसी और अच्छा आपका पेठा बनकर के तैयार होगा। तो इस तरह से हमें इसको अच्छे से गोद लेना है। आप चाहे नीचे सरफेस पे भी रख करके अच्छे से इस तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको आसान लगे इसको प्रिक करने के लिए, वो तरीके से आप अच्छे से इसको प्रिक करेंगे जितना, उतना ही अच्छा आपका ये पेठा बनकर के तैयार होगा। इस तरह से पानी में डाल देना है। अभी हम पीसेस नहीं करेंगे, पहले इसको हमें प्रिक करने के बाद 3 से 4 पानी में अच्छे से धुल करके हमें निकाल लेना है। तो हम ये सारे छील लेंगे और इसको 3 से 4 पानी में धुल करके निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। अच्छे से हमने छील करके इसको अच्छे से प्रिक कर लिया है। इस तरह से फोक के जरिए हमने अच्छे से इसको गोद लिया है, और इसको जितना अच्छा आप प्रिक करेंगे उतना ही अच्छा इसके अंदर रस जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रिक करने के बाद 2 से 3 से 4 पानी में हमने अच्छे से इसको धुल लिया है। धुलने के बाद हमें इसके पीसेस काट लेने हैं। जैसा पीस आप पसंद करते हैं, छोटा बड़ा जो भी आप पीस रखना चाहते हैं वो पीस रख सकते हैं। हम ये साइज रखेंगे। मार्केट में आप पेठा लेके आते हैं, काफी महंगा भी पड़ता है,
और इस तरह से आप ज़्यादा अगर आप अपने आपके पास गार्डन है या मार्केट से आप इस तरह का फल खरीद के लेके आते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में आप थोड़ा मेहनत जरूर लगती है लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में आप बना के इसको कई महीनों तक आप इसको रख सकते हैं और जब आपका दिल करे मीठा खाने का आप उसको एंजॉय कर सकते हैं या फिर किसी के यहाँ भी फैमिली में आप इसको दे भी सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे हमें पीसेस कर लेने हैं। और इसको काटने के बाद हमें इसको 2 से 3 घंटे के लिए अगर ओवरनाइट छोड़ देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन कम से कम 3 घंटे के लिए इसको चूने के पानी में डालना है। चूना हमें जो पनवाड़ी जो पान में लगाते हैं पका हुआ चूना जो होता है वो डालेंगे। हमारे पास लगभग ये 5 किलो हमारे पास ये पेठे का फल है तो 5 किलो फल में हमें कम से कम 2 चम्मच हमें चूना डालना है। तो यहाँ पे हमने पनवाड़ी की दुकान से इस तरह से खाने वाला चूने की पैकेट मिल जाती है वो हमने मंगवा लिया है और इसको लगभग हमें 2 चम्मच डालना है। प्रोफेशनल तरीके से जो फैक्ट्रियों में पेठा बनता है वो लोग काट करके पिक करके और इसको रात भर एक काफी बड़ा हौद रहता है टब टाइप का वो उसमें डाल देते हैं और रात भर पड़ा रहता है चूने के पानी में और चूने के पानी में पड़ा रहने के बाद इसको कई पानियों से धुलने के बाद फिर इसका पकाने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमने चूने के पानी में इसको डाल दिया है अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप चूने के पानी में ये पेठे को डाल रहे हैं तो ध्यान रखें आपका स्टील का बर्तन हो या फिर आप प्लास्टिक का बर्तन लें। अल्मीनियम का बर्तन लेंगे सिल्वर का बर्तन लेंगे वो बर्तन खराब हो जाएगा तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। स्टील का बर्तन लें तो सबसे बेस्ट है। तो इसे हमें 3 घंटे के लिए हमारे पास टाइम ज़्यादा नहीं है इसलिए हम 3 घंटे के बाद इसको धुल करके फिर मिलते हैं और धुलने के लिए 3 घंटे के बाद अच्छे से पहले हमें इसको पानी से निचोड़ लेना है। जब भी आप चूने के पानी से निकालेंगे तो इसको अच्छे से इस तरह से निचोड़ते हुए इसको अलग पानी में डाल लेंगे और डालने के बाद 3 से 4 पानी में हमें फिर से इसको धुल लेना है। तो इस तरह से 3 घंटे के बाद मैं इनको धुल करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो धुलने में मैंने जो आपको बताया है किस तरह से आप चूने के पानी में 3 घंटे के लिए अगर भिंगा रहे हैं तो अच्छे से अपने हाथों से इस तरह से निचोड़ेंगे और फिर साफ पानी में डालेंगे और साफ पानी में डालने के बाद 3 से 4 पानी में धुल लेंगे। धुलने के बाद फिर मैं आपसे 3 घंटे के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। पेठे को हमने चूने के पानी से निकाल लिया है। निकालने के बाद 3 से 4 पानी में हमने धुल लिया है। धुलने के बाद इसको निचोड़ दिया है। निचोड़ करके हमने इसको अच्छे से निकाल लिया है। इस तरह से ये पानी से हमारा सारा अच्छे से धुलने के बाद निचोड़ गया है। अब हमें इसको उबाल लेना है और उबालने के लिए हमने एक बर्तन में पानी रख लिया है गर्म होने के लिए और ये हमारा हल्का गर्म हो गया है। इसमें हमने ये जो पेठे हमने धुल के रखे हैं वो डाल देंगे और इसको इतना उबालना है हमें कि ये नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें इसका बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इतना उबालना है कि अच्छे से दबाने पे टूट जाए। इतना हमें इसको उबाल लेना है। 5 से 10 मिनट में ये हमारा पेठा अच्छे से उबल जाएगा और उबलने के बाद हाथ से हम देख लेंगे अच्छे से दब रहा है तो समझ लीजिए आपका पेठा अच्छे से उबल गया है। और इसे हमें कवर कर देना है। बीच में एक बार हम चला लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। इसे हम कवर कर देते हैं और दूसरी साइड में हमने एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई ले लें या जो भी बर्तन आपने पेठे के क्वांटिटी के हिसाब से आप वो बर्तन लें जिसमें अच्छे से चाशनी में ये पका सकें आप। तो हमने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में जितना आपका पेठा है उसका दुगना आपका शक्कर जाएगा। अगर आपने पेठा 3 किलो लिया है तो आप 6 किलो इसमें शक्कर डालेंगे और अगर कम मीठा रखना है तो 3 किलो पेठा है तो 3 किलो शक्कर भी चलेगा और उसमें बहुत ही अच्छा आपका पेठा भी तैयार होगा। तो हमने यहाँ पे 3 किलो पेठा लिया है तो 3 किलो पेठे में 3 किलो शक्कर हम लेंगे। तो यहाँ पे हम शक्कर डाल देंगे और 2 कप इसमें पानी डाल देंगे। फ्लेवर हम बाद में ऐड करेंगे, फ्लेवर और कलर जब हम इसमें पेठे को डाल करके पकाएंगे। तो अपनी पसंद का कोई भी फूड कलर जो आपको पेठे में कलर चाहिए वो आप डाल सकते हैं। फूड कलर होना चाहिए और फ्लेवर के लिए आप जो भी फ्लेवर जैसे आप इसमें इलायची फ्लेवर भी डाल सकते हैं, आप इसमें
सेफ्रॉन फ्लेवर भी डाल सकते हैं। सेफ्रॉन हम इस्तेमाल करेंगे, हल्का येलो आएगा, उसका खुशबू भी बहुत बेहतरीन आता है। तो आज हम दो कलर में बनाएंगे, एक हमें हल्का ग्रीन कलर में हम बनाएंगे इलायची फ्लेवर में, और दूसरा हम सेफ्रॉन फ्लेवर में बनाएंगे हल्का येलो। तो हमने यहाँ पे शक्कर को मेल्ट होने के लिए रखा है, शक्कर को हमें ज्यादा पकाना नहीं है, मेल्ट होने के लिए रखा है। शक्कर मेल्ट हो जाएगा, इसमें आधा चम्मच हम दूध डाल देंगे ताकि जो भी शक्कर की गंदगी है ऊपर आ जाए, और उसको निकाल करके हमें उसका झाग फेंक देना है। इतना हम प्रोसेस कर लेंगे और इसको हम उबाल लेंगे। तो ये हमारा पक रहा है, और इधर हमारा पीठे को हमने डाल दिया है, और इसको भी हमें गलने तक पका लेना है। ये लगभग हमारा 10 मिनट 1 से 2 बॉइलिंग आएगा इसमें, और हमारा पीठा अच्छे से पक जाएगा। हमने इसमें 2 कप पानी डाल दिया है, और साथ में हमने 3 किलो इसमें शक्कर डाल दिया है। अब इसको हमें मेल्ट होने देना है। इसको उबलते हुए 10 मिनट हो गया है। अब इसको हमें देख लेना है कि ये हमारा गल गया है कि नहीं, और ये हमारा गल गया है। अभी हम शक्कर के पानी में डालेंगे इसको भी, 1 से 1.5 घंटा लगेगा शक्कर के पानी में भी पकने में। तो इतना हमारा गल गया है, इस चीज को अच्छे से आराम से ये टूट रहा है। अब इसका पानी हमें निकाल देना है, और निकालने के बाद हमें इधर हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है, और चाशनी हमें शक्कर को ज्यादा पकाना नहीं है, शक्कर हमारा मेल्ट हो जाएगा, इतना हमें इसको पकाना है। शक्कर हमारा मेल्ट हो गया, अब इसमें हमें सेफ्रॉन डाल देंगे, और अगर आप और डार्क कलर चाहते हैं तो इसमें फूड कलर येलो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेफ्रॉन फ्लेवर में बना रहे हैं, और थोड़ा सा हम ग्रीन फ्लेवर में बनाएंगे जिसमें हम ग्रीन फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हम इस तरह से निकालते जाएंगे और ये इसमें डालते जाएंगे। शक्कर सिर्फ हमें मेल्ट करना है, इतना याद रखिए, जब भी आप इसको पका रहे हैं शक्कर सिर्फ मेल्ट करना है। मेल्ट होने के बाद हमें इसमें जो भी फ्लेवर आपको डालना है, कलर डालना है, वो डाल करके आप इसको उबला हुआ पेठा जो आपने उबाल के रखा है वो इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद हमें इसको छोड़ देना है धीमी आंच पे, स्लो फ्लेम पे 1 से 1.5 घंटा। ये शक्कर हमारा सूखने तक का इसमें पकेगा चाशनी में, जब तक ये शक्कर की क्वांटिटी एकदम कम नहीं हो जाती है, गाढ़ापन नहीं हो जाता, तब तक हमें पका लेना है स्लो फ्लेम पे, और इसे हमें बीच बीच में चला लेना है। तो इस तरह से ये हम सारा हम चाशनी में इस तरह से डालते जाएंगे, निकाल करके डालते जाएंगे। इसको पकते हुए लगभग हमारा 1.25 घंटा हो गया है। हमें लगा कि 1 घंटे में ये इसका पानी सूख जाएगा, लेकिन चाशनी को गाढ़ा होने में टाइम लगा है, तो ये लगभग हमारा 1.25 घंटे में चाशनी सूखने के स्टेज पे आ गया है। इसमें हम 1 चम्मच केवड़ा वाटर डालेंगे, गुलाब जल, इसका फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा, और साथ में सेफ्रॉन की खुशबू तो आएगी ही, क्योंकि ये सेफ्रॉन इसमें डाला है, तो इसका कलर भी देखिए कितना बेहतरीन आ गया है। और चाशनी हमारी काफ़ी थिक हो गई है, थोड़ा सा 1 से 2 मिनट और हमें इसको भून लेना है, सुखा लेना है चाशनी को, ताकि ये जब हम इसको उतार लें तो अच्छे से ये हमारा सूखा हुआ पेठा बन करके तैयार हो। इसको सूखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अगर थोड़ा सा सॉफ्ट आपको चाहिए पेठे को, तो आप इस स्टेज पे उतार सकते हैं जब ये 2 तार की चाशनी हो जाएगी, और नहीं तो अगर थोड़ा सा आपको सूखा ज़्यादा चाहिए तो आप थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट और पका लें, और ताकि चाशनी थोड़ी और ठीक हो जाए, और इसको सूखने में फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ये हमारा चाशनी काफ़ी अच्छे से इसके अंदर सूख कर लिया है, और गाढ़ी भी हो गई है। अब इस स्टेज पे हमें देखिए, इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है, और इसे हमें किसी चौड़े बर्तन में, जैसे आप बड़ी सी ट्रे ले लें, या फिर कोई बड़ा सा ट्रे ले लें, या फिर कोई भी ट्रे जो जिसमें आप थोड़ा सा इसको फैला सकें, और पंखे की हवा में आप इसको छोड़ देंगे 3 से 4 घंटे में, तो ये अच्छे से सूख जाएगा। जिस तरह से मार्केट में ड्राई हमें पेठा मिलता है, उस तरह से ये हमारा पेठा बनकर के तैयार हो जाएगा। लगभग 2 से 3 घंटे के लिए हमको इसको पंखे में छोड़ना होगा। तो आइए पंखे में हम इसको एक बड़े बर्तन में फैला करके छोड़ देते हैं, और फिर उसके बाद हम आपको इसका रिजल्ट दिखाते हैं किस तरह से हमारा पेठा मार्केट जैसा बनकर के तैयार हुआ है। पेठा हमारा बनकर तैयार हो गया, देखिए लग रहा है ना मार्केट वाला पेठा। आप इसको अपनी पसंद का फ्लेवर दे सकते हैं, अपनी पसंद का आकार दे सकते हैं, अपनी पसंद का कलर भी दे सकते हैं। जो भी कलर, जो भी आकार, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है, आप उस तरह से इसको तैयार कर सकते हैं। सिर्फ एक बार अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से पेठा बनाना सीख जाएंगे, तो तरह तरह का फ्लेवर, तरह तरह का कलर भी आप इसको दे सकते हैं, और तरह तरह के आकार भी इसको दे करके आप इस मिठाई को बना करके स्टोर कर सकते हैं।
इस त्यौहार में क्यों ना ये आगरे के पेठे को बनाया जाए और इस त्यौहार में अपने फैमिली फ्रेंड्स में गिफ्ट किया जाए, और क्यों ना बना करके इसको जब भी खाने का मीठा दिल करे इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो पेठा बनाने के तरीके को जिस तरह से मैंने बताया है, एक एक स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे अच्छे से, तो आपका पेठा काफ़ी परफेक्ट बनकर के तैयार होगा। पेठे में अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं तो इसमें शक्कर की मात्रा आप कम भी डाल सकते हैं, या फिर इसमें अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो शक्कर की मात्रा आप इसको बढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा स्मूथ अगर आपको इसको बनाना है, थोड़ा सा इसमें क्रंच कम रखना है, तो चाशनी ज़्यादा गाढ़ी होने से पहले भी आप पेठे को निकाल करके एक छन्नी में रख दें और 2 से 3 दिन तक के लिए आप इसको खुली हवा में या पंखे के नीचे इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे, तो वो काफ़ी अंदर से स्मूथ होगा और खाने में भी काफ़ी उसका अच्छा टेक्सचर होगा। कुछ हमारे घर में बुज़ुर्ग ऐसे हैं जिनको काफ़ी हार्ड मिठाइयाँ नहीं पसंद है, तो आप पहले से ही चाशनी में थोड़ा सा पकाने के बाद अगर निकाल करके इसको पंखे में ड्राई कर लेंगे, तो हमारे घर के बुज़ुर्ग जिनको खाने में थोड़ा सा दिक्कत होती है दांतों की वजह से, वो भी इस मिठाई को इंजॉय कर सकते हैं, या नन्हे मुन्ने बच्चे जिनको दांतों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो भी इस मिठाई को इंजॉय कर सकते हैं। तो आपको किस तरह से पेठे को निकालना है और चाशनी में कितनी देर तक रखना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं, और उसी तरह से मिठास भी इसको कम और ज़्यादा कर दे सकते हैं, और फ्लेवर भी आप अपने पसंद के अनुसार इसमें जो भी फ्लेवर आपको पसंद है वो फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा पेठा बनकर तैयार हो गया। आपको हमारे पेठे की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएँ, और इसी तरह से हमारे हंग्री स्पून चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें, साथ में मेरी प्यारी प्यारी बेटियों का बहुत बहुत ख्याल रखें, उन्हें बहुत बहुत प्यार दें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद हंग्री स्पून।